नमस्कार विग्नू के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय आज हमारी चर्चा का विषय है संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोड बी एस के सी वन जीरो टू यूनिट वन वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय और आज का विषय है पुरान कालीन समाज जैसा कि आपको विदित है अगर हम वेद के पश्चात जो वेदोत्तरकालीन रचनाएं हैं और उसमें हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को जानने का मुख्य स्रोत उस पर दृष्टिपात करते हैं तो पुराणों का उसमें विशिष्ट महत्व है हम जानते हैं कि संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धातु से प्रत्यय होकर बनता है जिसका अर्थ है वह कार्य जो विधिवत संपादित किया गया हो जो अलंकृत हो विभूषित हो तथा किसी को भी आकृष्ट करने में सक्षम हो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति शब्द किसी भी वस्तु देश या मानव के परिष्कृत स्वरूप को द्योतित करता है मानव सभ्यता के बौद्धिक उत्कर्ष को ही प्रस्तुत प्रसंग में संस्कृति शब्द से अभिहित किया जाता है यह उत्कर्ष साहित्य कला दर्शन विज्ञान अध्यात्म आदि के माध्यम से जाना जाता है मनुष्य ने जो कुछ भी सोचा विचारा है जो कुछ उसके द्वारा कार्य रूप में परिगणित किया गया है जो कुछ उसका भौतिक उत्कर्ष है वह सब सभ्यता की परिधि में आता है सामान्यतः सभ्यता सभ्य सब्वे होने का भाव है जिसके अंतर्गत मनुष्य की भौतिक उन्नति परिगणित की जाती है मनुष्य की भौतिक क्षेत्र प्रगति कितनी है संस्कृति से मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का परिज्ञान होता है सभ्यता और संस्कृति के मध्य बहुत सूक्ष्म अंतर है यदि हम पुष्प को सभ्यता कहें तो उसकी सुगंध संस्कृति कहलाएगी संस्कृति मानव का विस्तार है तो सभ्यता उसकी स्थिरता का किसी भी समाज की संस्कृति हमें यह बताती है कि यह क्या है जबकि सभ्यता यह बताती है कि इस समाज के पास क्या है तो इस प्रकार अगर इस सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से अगर हम पुराण कालीन समाज पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि पुराण काल में समाज का मूल आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी स्त्रियों की दशा शोचनीय नहीं थी पतिव्रत धर्म आदि इस समय महत्व को प्राप्त थे पुनर्विवाह वर्जित था किंतु स्त्री का समाज में सम्मान भी था पुराणों ने सामाजिक संकीर्णता को दूर करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया भक्ति के माध्यम से पुराणों ने सामाजिक समरसता उत्पन्न की तथा सबको समान अधिकार दिलाया पुराणों का विशेष महत्व इसी में है कि उनकी रचना जनसामान्य के लिए हुई वेदों में प्रतिपादित गंभीर तथ्यों को ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यज्ञ याग आदि विधियों को पुराणों ने सरलतम रीति से आख्यानों उपाख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत किया जिससे वह सब जन सामान्य को भी उपलब्ध हो सका उपनिषदों का जो तत्व चिंतन है वो केवल विद्वानों या तत्ववेताओं के समझ की वस्तु थी पुराणों ने उसे सरल सुगम और सुबोध बनाया जिससे वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति के बुद्धि का विषय बन सका और जन सामान्य उसकी ओर प्रभावित हो सका पुराणों ने अपने युग धर्म के अनुसार वृहद भारतीय समाज के अंतर्गत विभिन्न जातियों के आचारों और संस्कारों पर भी विचार किया तथा उन्हें आत्मसात करके उनकी पुनः स्थापना की जिससे वर्ण संकीर्णता आदि के जो भेदभाव समाज में विद्यमान थे वह सब दूर हुए इससे समाज में एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ अगर हम धर्म सूत्रों और स्मृतियों में देखें तो इनमें प्रतिपादित अनेक धर्मों और सामाजिक नियमों का पुराणों ने संशोधन किया और मानव मात्र के लिए समानता स्थापित करने का उपक्रम किया पुराणों के समय राजतंत्र को महत्व प्राप्त था उस समय राज्य की समस्त शक्तियों का स्वामित्व राजा को ही प्राप्त था राजा साक्षात साक्षात्कार रूप से ईश्वर का स्वरूप माना जाता था इसलिए उसके निर्णय के विरुद्ध किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं था पुराणों के समय अनेक चरित्रवान राजा हुए जिन्होंने प्रजा को अपने संतान के समान उनका पालन पोषण किया उनकी सत्यवादिता प्रजाप्रियता आदि आज भी प्रसिद्ध है राजा केवल मनुष्य का संरक्षण ही नहीं करता था अपितु वह प्राणी मात्र पर दया भाव भी रखते थे इसका उदाहरण राजा शिवि ने एक कबूतर की रक्षा के लिए शरीर का मांस काट कर दे दिया था महाराज दिलीप ने वशिष्ठ की नंदिनी गौ की रक्षा के लिए सिंह के सम्मुख अपना शरीर समर्पित कर दिया था पुराणों में हरिश्चंद्र जैसे अनेक यशस्वी राजाओं का हमें वर्णन मिलता है जिन्होंने सत्य और धर्म के पालन में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया पुराणों में अनेक ऐसे राजवंशों का वर्णन है आख्यानों और उपाख्यानों के माध्यम से पुराणकारों ने तत्कालीन राजाओं तथा उनकी राजनीतिक स्थितियों का भी वर्णन किया है आख्यान के रूप में उन्हीं तथ्यों का प्रतिपादन किया जाता था जो उनके द्वारा स्वयं देखे जाते थे श्रुत का वर्णन उपाख्यान कहलाता है पितर, पृथ्वी आदि प्रशंसात्मक गीतों को गाथा कहा जाता है। अतः पुराणों में प्राप्त राजनीतिक वर्णन उनका स्वयं का अनुभूत सत्य है जो प्रामाणिक है पुराणों में हम देखते हैं राजनीतिक विचारों पर भी अनेक विद्वानों ने गहन अनुसंधान किया और उनकी प्रामाणिकता सिद्ध की पुराणकालीन समाज राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ था पुराण काल का भारत आर्थिक रूप से संपन्न था भारतवर्ष का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत था अतः दूर दूर तक व्यापार कार्य होता था धन संपन्न होने के कारण लोगों की दान तीर्थ यात्रा व्रत पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि में भी अभिरुचि थी कालीन आर्थिक स्थिति भी पूर्णतः कृषि पशुपालन आदि पर ही निर्भर थी यहाँ हमें धातुकारों लोहकारों इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग समाज में इस प्रकार के अनेक कार्यों को संपन्न करके आजीविका अर्जित करते थे पुराणों की रचना वेदोत्तर काल में सतत होती रही यह नहीं कहा जा सकता कि पुराण केवल एक कालखंड में लिखे गए इतिहास और पुराणों से वेदों के अर्थ का समुपग्रहण करना चाहिए उक्ति से यह सिद्ध होता है कि पुराणों में वेद ब्राह्मण उपनिषद आदि के आख्यानों का पल्लवन किया गया है वैदिक साहित्य में सूत्र रूप में कहे गए आख्यानों को पुराणों ने विस्तार प्रदान किया पुराण शब्द का अर्थ ही है प्राचीन कथा या आख्यान ही पुराण है पुराणों की संख्या कितनी है यह निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है तथापि पुराणों की संख्या 18 निर्धारित की गई है हम देखते हैं कि इन 18 पुराणों में छह शैव पुराण छह वैष्णव पुराण छह ब्रह्म पुराण शिव पुराण लिंग पुराण स्कंद पुराण अग्निपुराण मत्स्य पुराण पुराण शैव पुराण है विष्णु पुराण भागवत पुराण नारद पुराण गरुड़ पुराण पद्म पुराण और वराह पुराण वैष्णव पुराण है ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण वैवर्त ब्रह्म पुराण मार्कंडेय पुराण भविष्य पुराण वामन पुराण ब्रह्म पुराण माने जाते हैं पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि का विस्तार प्रलय पुनः सृष्टि विभिन्न राजवंशों तथा ऋषि वंशों का वर्णन संसार का काल विभाग तथा प्रत्येक काल की घटनाओं का वर्णन तथा अनेक प्रतापी राजाओं के द्वारा किए गए महनीय कार्यों का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है पुराणों का जितना सांस्कृतिक महत्व है उतना ऐतिहासिक महत्व भी है पुराणों के अनुसार धर्मों में सभी पुरुषार्थों में श्रेष्ठ है धर्म के माध्यम से अनेक पुरुषार्थ भी हमें इस में प्राप्त होते हैं अपने धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है मनुष्य को सदैव अपने धर्म का सेवन करना चाहिए क्योंकि धर्म ही मुक्ति फल प्रदान करता है धर्म से अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है जो मनुष्य वर्णाश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरकगामी होते हैं मनुष्य जन्म का फल त्रिवर्ग जिसके अंतर्गत धर्म अर्थ काम ये आते हैं और जो धर्म से हीन होता है अर्थ और काम से वंद्या के समान होते हैं धर्म को पारिभाषित करते हुए पुराणों में कहा गया है कि जो धारण करता है जीवन की रक्षा करता है अधोगति से बचाता है वह धर्म है और अधोगति करने वाला अधर्म कहलाता है ब्रह्मांड पुराण में भी जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं इस तथ्य को भी वहां पर दोहराया गया है भविष्य पुराण के अनुसार समग्र संसार में स्थावर जंगम जो कुछ भी है उसे धारण करने वाला एकमात्र धर्म है और यह धर्म आदि और अंतरहित शक्ति है इस प्रकार शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित आचार का प्रतिपादन करना ही धर्म है उसके विरुद्ध आचरण अधर्म की कोटि में आता है मनुष्य द्वारा रक्षित धर्म मनुष्य की रक्षा करता है उसे उत्कर्ष प्रदान करता है पुराण वेद को धर्म का मूल मानते पद्म पुराण में बताया गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण वामन पुराण आदि भी श्रुति को धर्म का मूल और प्राण मानते हैं पुराण धर्म प्रधान ग्रंथ हैं उनमें भक्ति दर्शन मूर्ति पूजा नाम संकीर्तन तथा तीर्थों का महत्व हमें वर्णन इनका मिलता है भगवान के विभिन्न अवतारों में पुराणों की महान आस्था है इन अवतारों का प्रयोजन स्वरूप उपासना की पद्धति आदि पुराणों में प्रतिपादित मिलती है वैदिक साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस युग में कर्म कांड को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था यज्ञों को सर्वप्रधान धर्म माना जाता था बाद में ज्ञान के विकास के अनंतर निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया जाने लगा उपनिषदों में इसी निराकार ब्रह्म की उपासना पर अधिक बल दिया गया है वस्तुतः यह निराकार उपासना का मार्ग ज्ञानियों के लिए ही श्रेयस्कर था सामान्य जनता इसके रहस्यों गूढ़ता और जटिलता को आत्मसात करने में समर्थ नहीं थी उसके लिए यह नीरस और शुष्क था परिणामतः हम देखते हैं कि भक्ति का विकास हमें मिलता है जिसमें सबको समान रूप से अपने आराध्य की आराधना का अधिकार प्राप्त था वेदों में जहां निर्गुण निराकार की उपासना पर बल दिया गया था निराकार ब्रह्म की अवधारणा हमें पुराणों ने साकार ब्रह्म की सगुण उपासना को जोड़ा इस साकार पूजा परंपरा के कारण मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार हुआ मूर्तियों का निर्माण हुआ भक्तों ने अपने आराध्य के पौराणिक स्वरूप के आधार पर उनकी मनोहर छवि को निहारने के लिए मूर्तियों का निर्माण करवाया उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके अपने आराध्य का साक्षात्कार किया मंदिरों का निर्माण करके उनमें भगवान की मूर्ति स्थापित की गई और भक्तों ने भक्ति से ओतप्रोत होकर उन मूर्तियों के सम्मुख आत्मसमर्पण किया तो इस प्रकार पुराणों के अनुसार धर्म ही सभी पुरुषार्थों में श्रेष्ठ है धर्म के माध्यम से अन्य पुरुषार्थ स्वयं प्राप्त हो जाते हैं इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है वही मुक्ति प्रदाता बताया गया है मनुष्य को सदैव अपने धर्म का सेवन करना चाहिए क्यों धर्म ही मुक्ति फल प्रदान करने वाला होता है धर्म से अर्थ काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है जो मनुष्य वर्णाश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरकगामी होते हैं मनुष्य का जन्म का फल त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम है जो धर्म से हीन होता है उसे अर्थ और काम वंध्या के समान बताया गया है धर्म को परिभाषित करते हुए पुराणों में कहा गया है कि जो धारण करता है जीवन की रक्षा करता है इस प्रकार से यह धर्म का गुण है और इसके विपरीत करने वाला अधर्म कहलाता है ब्रह्मांड पुराण में भी यह चर्चा हमें मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य द्वारा रक्षित धर्म मनुष्य की रक्षा करता है और उसे वह उत्कर्ष भी प्रदान करता है अब पुराण जो है चूंकि धर्म प्रधान ग्रंथ हैं और इसमें विभिन्न अवतारों में पुराणों की महान आस्था है और इन अवतारों का प्रयोजन स्वरूप उपासना की पद्धति हमें पुरानों में विवेचित मिलती है वैदिक साहित्य के अध्ययन से हम देखते हैं कि उस युग में कर्म कांड की जहां अधिक महत्ता थी यज्ञ को सर्वप्रधान धर्म माना जाता था और कालांतर में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया जाने लगा और यह हमें उपनिषदों में सबसे अधिक इस पर बल दिया गया है वस्तुतः यह निराकार उपासना का मार्ग जो ज्ञानी जन थे उनके लिए श्रेष्ठ था और पुराणों में इसका सरलीकरण करके किस प्रकार से भक्ति का भाव जो है उसमें प्रवेश करवाया गया और भक्ति का लक्षण करते हुए गीता में भी भक्ति और भक्त के स्वरूप पर जो है प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि भगवान के चरणों में अपने को पूर्णतः समर्पित कर देना ही भक्ति है भक्त को चाहिए कि वह किसी से द्वेष ना करे स्वार्थ रहित तो होकर सबको प्रेम करे सब में दया भाव रखे मन और इंद्रियों को वश में रखे तथा हमेशा संतुष्टि का भाव अपने अंदर रखे भक्ति की नौ भेदों का कथन हमें मिलता है इसमें अपने आराध्य का नाम श्रवण गुण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन तो यह नवदा भक्ति जो है इसकी चर्चा मिलती है भक्ति से प्रसन्न होकर वैकुंठ छोड़ वहीं चले जाते हैं भगवान जहां उनके भक्त गुणगान करते हैं कलयुग में भक्ति को ही भव सागर पार करने का प्रबल मार्ग माना गया है पुराणों में प्रहलाद आदि भक्तों का उदाहरण देकर भक्ति का प्रबल प्रतिपादन हमें मिलता है भक्त विष्णु शिव ब्रह्मा आदि का भजन और पूजन तो करते ही रहे किंतु इसमें ज्ञान और कर्मकांड का सर्वथा परित्याग नहीं किया गया है वेदों में निर्गुण निराकार की उपासना पर बल दिया गया निराकार ब्रह्म की वैदिक अवधारणा में पुराणों ने साकार ब्रह्म को सगुण उपासना से जोड़ा इस साकार पूजा परंपरा के कारण ही मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार हुआ मूर्तियों का निर्माण हुआ और इसमें मूर्तियों के निर्माण के पश्चात जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई मंदिरों का निर्माण हुआ तो उन मूर्तियों के श्रृंगार वेशभूषा आदि की भी संकल्पना हमें मिलती है और एक तरह से मूर्तियों को साक्षात ईश्वर का स्वरूप माना गया इतिहासकार मौर्य सातवाहन युग में मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ मानते हैं पुराणों में विष्णु आदि देवताओं का स्पष्ट रूप से हमें अंकन मिलता है कि विष्णु का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए शंख और चक्र धारण किए हों हाथ में पद्म और गदा हो स्वरूप शांत हो ग्रीवा शंख के समान हो दृष्टि सुंदर हो इस प्रकार पुराणों में प्राप्त वर्णनों के आधार पर मूर्तियों का निर्माण हुआ मंदिरों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई उनकी अर्चना आदि से भक्तों ने उनका साक्षात्कार भी किया तो अचिंत्य अप्रमेय निर्गुण अशरीरी ब्रह्म की रूप कल्पना उपासकों की सिद्धि के लिए की गई है भारत में हम देखते हैं प्रमुख मंदिरों में सोमनाथ मंदिर रामेश्वर मंदिर जगन्नाथ मंदिर आदि की गणना की जाती है सनातन धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार इन मंदिरों के दर्शन की इच्छा रखता है मूर्ति पूजा की इस अवधारणा के विकास में पुराणों का महनीय योगदान है और पुराणों ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को स्थापित करते हुए उनके अवतारों की चर्चा की है तो जब जब पृथ्वी पर अधर्म का अधिक्य होता है आसुरी प्रवृत्ति में वृद्धि होती है धार्मिक कार्य बाधित होने लगते हैं तो पुराणों में इसी तरह से परमेश्वर अवतार लेकर आसुरी प्रवृत्तियाँ उसमें उनका नाश करने के लिए अब तक चौबीस अवतार जो हो चुके हैं कल्कि के रूप में उनका चौबीसवां अवतार होना निश्चित है इन अवतारों में दश अवतार प्रमुख माने जाते हैं मत्स्य कुर्म, वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कलकी पुराणों में इन अवतारों का विशद विवेचन हमें मिलता है मत्स्य कूर्म वराह आदि अवतारों पर स्वतंत्र पुराण भी मिलते हैं पुराणों ने इन अवतारों के माध्यम से समाज में नई व्यवस्था स्थापित की तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति के आलोक में संपूर्ण समाज को पुराणों ने एक सूत्र में हमें बांधा राम कथा का सूत्रपात करने वाला ग्रंथ रामायण है और परवर्ती काल में राम का भक्तिनिष्ठ विवेचन हमें मिलता है वराह अवतार आदि सप्रयोजन इनका वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है पुराणों में अनेक तीर्थों का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है और तीर्थ शब्द का अर्थ है जहाँ की यात्रा करने जिनका दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है उसे तीर्थ कहते हैं और इसमें प्रमुख तीर्थ जिनमें सप्तपुरी प्रमुख है काशी अयोध्या कांची पुरी मथुरा अवंतिका उज्जैन मायापुरी हरिद्वार पुराणों के अनुसार जो है तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है इसी प्रकार तीर्थों में चार धाम प्रसिद्ध हैं उत्तर में बद्रिकाश्रम पूर्व में पूरी पश्चिम में सोमनाथ दक्षिण में रामेश्वरम और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इन तीर्थों का महत्वपूर्ण स्थान है पुराणों में नवधा भक्ति का भी उल्लेख हमें मिलता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के साथ साथ जो है अगला जो क्रम है कि पुराणों में अर्थ का प्रतिपादन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे द्वितीय पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है प्राचीन काल से हम देखते हैं कि अब तक अर्थ की अवधारणा का विकास होता रहा है अर्थ का संबंध उन समस्त वस्तुओं से है जो मानव जीवन के निर्वाह के महत्वपूर्ण कारक हैं। पद्म पुराण में कहा गया है जिस व्यक्ति के पास अर्थ है उसी के पास मित्र बंधु कुलशील पांडित्य आदि सब होता है अर्थहीन व्यक्ति की समाज में कोई गति नहीं होती है तो इस प्रकार अर्थ का उपार्जन धर्म के द्वारा कहा गया मार्ग जो है वही श्रेष्ठ है और पुराण उसी को शुद्ध अर्थ मानते हैं अर्थ का संचय भी धर्म के लिए ही करना चाहिए अर्थ के पश्चात काम मनुष्य जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है और हम देखते हैं कि महाभारत में भी कहा गया है कि काम कभी उपभोग से शांत नहीं होता है जिस प्रकार घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है काम्यती इति काम इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह शब्द विषय और इंद्रियों की संयोग से प्राप्त होने वाले मानसिक आनंद का वाचक है काम सूत्रकार काम को परिभाषित करते हुए कहा है कि मन सहित इंद्रियों का अपने विषय में अनुकूल प्रवृत्ति ही काम है इस प्रकार चक्षु श्रोत्र नासिका रसना त्वक आदि इंद्रियों के रूप रस आदि अपने विषयों से मिलने वाला आनंद ही काम है यहां पर काम जो है धर्म समर्थित आचरण जो है उसकी प्रतिपादन हमें मिलता है धर्म से विपरीत काम मनुष्य के विनाश का कारण बनता है भगवत गीता में कहा गया है कि काम की तृप्ति प्राप्त न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से मोह उत्पन्न होता है मोह से स्मृति और स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है बुद्धि का नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है मत्स्य पुराण में इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है धर्म विहीन पुत्र के समान है इस प्रकार यह काम मन के संकल्प और विकल्प से उत्पन्न होता है काम का अर्थ है इच्छा तृष्णा वासना आदि ऋग्वेद काम के विषय में कहता है काम से ही वासना रूपी काम से ही संसार की सृष्टि होती है उन्माद ही सुख और आनंद का मूल है तथा प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति ही है इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए काम अत्यंत आवश्यक है काम से इंद्रियां प्राप्त करती है और इंद्रियों की तृप्ति से सुख की अनुभूति होती है आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जो धर्म और अर्थ को हानि नहीं पहुंचाता है वही काम है धर्म अर्थ और काम जीवन के मूल हैं देवता असुर राक्षस पशु पक्षी मनुष्य कोई भी इसे जीतने में समर्थ नहीं है पद्म पुराण में काम की दुर्जयता का उल्लेख किया गया है काम का महत्व उसमें महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सदा धर्म के अनुसार ही उसको मान्यता दी जानी चाहिए कामासक्त व्यक्ति किसी भी कार्य का सम्यक अनुष्ठान नहीं कर सकता है इसलिए कहा हमें काम का उपभोग सम्यक प्रकार से करना चाहिए पुराणों में काम के विषय में जो विचार किया गया है उससे निष्कर्ष यही निकलता है काम को सदैव धर्म से नियंत्रित करना चाहिए मनुष्य को उसके उपभोग में संयमित होना चाहिए समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति में शरीर की परम उपयोगिता है धर्म से अर्थ और काम दोनों नियंत्रित होते हैं मनुस्मृति में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि भोगों की शांति भोगों से कभी नहीं होती है भगवान की आराधना से जीव धर्म अर्थ और काम का उपभोग करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है इसीलिए धर्महीन काम से मनुष्य समाज में उपेक्षा और अपमान प्राप्त करता है कतिपय दर्शनों में इसे भगवत सन्निधि आदि के रूप में भी मान्यता मिली है आत्मा नित्य तत्व है वह अजर है अमर है परमात्मा का अंश है शरीर ही उसके बंधन का कारण है पुराणों में मोक्ष को कैवल्य अपवर्ग मुक्ति निर्वाण निश्रेष आदि शब्दों से अभिहित किया गया है अग्निपुराण में कहा गया है वर्ण तथा आश्रमों के लिए जो धर्म प्रतिपादित किया गया है उसके पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो धर्म के अनुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है इसीलिए धर्म को ही अपवर्ग कह दिया गया इसी प्रकार स्कंद पुराण का स्पष्ट अभिमत है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वान और सन्यासी आदि सभी अपने अपने आश्रम के अनुकूल कर्म करते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है भागवत महापुराण में कहा गया है जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न करता हुआ अपने वर्णाश्रम धर्मो द्वारा सदैव पूर्वक परमेश्वर का स्मरण करता है तथा उसकी आराधना करता है क्रमश है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और इस चित्त शुद्धि से उसका विषयों से संबंध टूट जाता है और उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पुराण वैदिक धर्म की तो पुनर्व्याख्या करते ही हैं वैदिक धर्म को ही अपने युग के अनुरूप प्रस्तुत भी करते हैं इससे कालीन समाज से हमें यह ज्ञात होता है कि भारत की दार्शनिक धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक विचार संपदा का यह अक्षय भंडार है धन्यवाद नमस्कार